हेलो जी कैसे हैं आप सब मज़े में होंगे ठीक ठाक होंगे माशाला से देखिए देखते हमारे पच ट्वेंटी फिफ्थ रोज़ा चल रहा है पच्चीसवें रोज़ा हम पहुंच गए हैं और माशाल्लाह सबके रोज़े अच्छे गए होंगे मेरे भी अच्छे गए हैं और अब देखिए रमज़ान के आ, कुछ ही रोज़े बचे हैं और काम भी बहुत ज़्यादा है और मम्मी के यहाँ से मैं आई हूँ अभी देखिए बज रहे हैं आई थिंक जहर का जान जहर का जहर का टाइम हो गया है और बस यही है कि अब धीरे धीरे से सारी तैयारी फटाफट शुरू करनी है जैसे कि ईद प्रिपरेशंस घर की क्लीनिंग है ये शिरकुमा की तैयारी करनी है मसाले की तैयारी करनी है जो हम डिश बनाएंगे तो ऐसे बहुत से काम है जो फटाफट से वाइंड अप करने हैं और दिन रह गए बहुत कम तो मैंने जो आपसे माशाल्लाह से मेरे जो रमज़ान की सीरीज़ स्टार्ट की थी बहुत अच्छी गई है अलहमद सारे वीडियोज़ मैंने ऑन टाइम डाला है पर अभी लास्ट के कुछ कुछ मैंने टू दो वीडियोज़ को मर्ज करके डाला बिकॉज़ कुछ था नहीं तो छोटी सी नहीं डाल के मतलब नहीं है इसलिए मैंने सिर्फ दो दिन के वीडियोज़ को मर्ज करके डाल दिया आपको कैसे लग रहे हैं आपको अगर मेरी वीडियोज़ अच्छी लगे माशा रमज़ान सीरीज बहुत अच्छी गई आप लोग का सपोर्ट था और आप लोग इसी तरह मुझे प्यार दीजिए और आपको वीडियोस अच्छी लग रही हो तो लाइक कीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब टू माय चैनल अब जो शॉपिंग की थी वो मैंने अनपैक नहीं की है ये शॉपिंग से ये था कि मैंने सोचा कि इस बार थोड़ा सरप्राइज रहने देती हो या हम क्या पहनने वाले हैं ईद के दिन क्या परचेस किया है वो सब आपको ईद के दिन दिख जाएगा यस तो इनशाला मेरी ये पहले मैंने सोचा था मैं शो कर दूँ फिर सोचा कि नहीं आई कीप सीक्रेट्स तो ऐसे है कि अब आपको वेट करना होगा तब तक के लिए तो ईद के दिन का जो भी है वो तो आप ईद के दिन देखेंगे बाकी जो उसकी तैयारियां हैं जो मैं शुरू कर रही हूँ जैसे कि अभी क्लीनिंग स्टार्ट करने वाली हूँ तो उसकी भी थोड़ी थोड़ी क्लिम्प्स आपसे ज़रूर शेयर करूँगी पहले तो मैंने सोचा कि मैं बेडरूम से ही क्लीन स्टार्ट करूँ कि बेडरूम सबसे लास्ट में है तो बेडरूम पहले कर लेती हूँ फिर देन एलगो फॉर किचन देन देन फिर उसके बाद मैं बा, मेन लिविंग एरिया करूँगी और बालकनी करूँगी तो इस तरह से मेरा सेटिंग है तो दो तीन में मेरा ये कंप्लीट हो जाएगा सेम डे मैं नहीं कर रही क्योंकि बहुत बर्डन हो जाता है और फिर रमज़ान रोज़े रखे इतना काम बहुत भारी पड़ता है और आपको पता है ना इतनी गर्मी है इस बार बॉम्बे में शायद ही बहुत ज़्यादा गर्मी है आप एग्री कर रहे होंगे तो बिकॉज because... मैं जब बाहर थी रोज़े रख के शॉपिंग करना बहुत बहुत डिफ़िकल्ट हो रहा था हमारे लोग के लिए फिर भी अल्लाह के करम से अल्लाह ने बोले ताकत दे दी थी हिम्मत दे दी तो उस तरह से मेरे शॉपिंग तो माशाल्लाह हो गई है अलहदिल्ला से बहुत प्यारी शॉपिंग हुई है और मैंने एक अबाया शू ऑर्डर किया था वो रमज़ान से पहले ही आ चुका था पर मैं शायद किसी कारण मैं मेरे माइंड से स्किप हो गया मैंने शेयर नहीं कर पाई इन अगर होगा तो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी या तो मैंने शॉर्ट वीडियो में शेयर कर दूँगी या तो मैं उसको वीडियो में शेयर करूँगी आपके साथ ती है तो शॉर्ट वीडियो पे शेयर कर दूँगी आप चेक कर लेना माशाल्लाह बहुत प्यारा आया और उसका अगर आपको लिंक चाहिए होगा तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में पूछना तो मैं ज़रूर उसका लिंक भी शेयर कर दूँगी कहाँ से मैंने ऑर्डर किया एंड डू गाइज यू आप कमेंट करिए शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और क्या जैसे जैसे अभी दिन बचे हैं लास्ट लास्ट के तो रमज़ान जैसे जा रहा है तो अभी ये ताकराते भी हैं बहुत ज़्यादा है वक्त बहुत कम हो गया ऐसे हो गया है अब फटाफट से करना है बहुत सारा काम है ऑलमोस्ट थोड़ी बहुत शी शॉपिंग थोड़ी सी रह गई है ऑलमोस्ट बाकी सब तो मेरी माशाल्लाह हो गई है और मैंने जो आपसे ड्रेस स्टाइल के बारे में बात किया था वो दिखाऊंगी तो पर अगर मेरे पास टाइम मिला ना गैस तो मैं ज़रूर कोशिश करूँगी जो मेरे ड्रेस मेरे पास जो इंडियन ड्रेस स्टाइल्स है ड्रेसेस है वो आपसे शेयर करूँ अदरवाइज़ रमज़ान के बाद फुल ड्रेस स्टाइल जो रमज़ान में मैंने शॉपिंग की उसके साथ आपको जो वो सारी इंक्लूड करके शेयर करूँगी अभी था आपसे बात करना था और इन शाला अभी लास्ट लास्ट के रोज़े हैं तो फटाफट रमज़ान जा रहा है तो वो बहुत बड़ा अच्छा भी नहीं लग रहा है कि रमज़ान ख़त्म हो जाएगी सारी रौनकें चली जाएगी घर से बस हमें ऐसे ही करना है कि हम जैसे अब तक रमज़ान में जो जो चीज़ें फॉलो कर रहे थे वो कंटिन्यू रखना है तो बस क्या फिर मिलती हूँ मैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ और कोशिश मेरी ये रहेगी कि, कि जो इफ्तार टू सैरी टू इफ्तार रूटीन है वो कंटिन्यू रखूँ और अगर नहीं हो पाया ना तो जो भी मैं करूँगी जैसे भी मेरा शेड्यूल होगा वो आपसे ज़रूर शेयर होगा और तो असल सो वेलकम बैक टू माई चैनल तो आज माशाल्लाह से ट्वेंटी फ़िफ्थ रोज़ा है हम उसके शैरी करने के लिए उठे हैं क्योंकि मैंने सबसे पहले उठ के नमाज़ पढ़ के तजुद की और मैंने ये चाय और दूध को गर्म करने रख दिया और आज बेसिकली इतना जैसे जैसे रमज़ान एंड पे आता है तो उससे ना सैरी करने मन होता है ना इफ़ार करने मन होता है कुछ खाने का मन ही नहीं होता ना बनाने की भी इच्छा नहीं होती है तो बस यही था कि बच्चे ने कहा कि मम्मा एग ब्रेड खाएँगे तो आज बस मैं हाफ़ बॉयल एग ऑमलेट बनाया और ब्रेड मंगा के हम लोगों ने सोचा यही सैरी करने थे, बिकॉज लास्ट लास्ट के रोजे में ना बिल्कुल ना शैरी में उठने को भी नहीं होता है बहुत प्रॉब्लम होती है और दूसरी बात तो खाने को भी दिल नहीं होता दूसरे पकाने को भी दिल नहीं होता है तो कुछ अच्छा बनाने भी मन नहीं होता बस आप लोगों के लिए कोशिश करती हूँ कुछ ना कुछ बनाओ और आपके साथ जरूर शेयर करूँ तो वैसे तो ताजद के लिए तो मैं उठती थी तो वो आदत तो मेरी थी तो बस उठ गए जल्दी और बस आज मैं ये क्या बनाने जा रही इफ्तारी के लिए मैंने बनाया है फालूदा तो फालूदा का ये प्रीमिक्स आता है जो मैं हम जहाँ रहते हैं ना वहाँ एक्चुअली फ़ालूदा मिलता नहीं है तो ये भी जो प्रीमिक्स है इटमी का ये मैंने फालूदा और डी मार्ट से मैं परचेस कर लेती हूँ हमेशा और यही मैंने बनाना था इसमें ज़्यादा कोई टफ जॉब नहीं है दूध को बस उबाल देना है ये जो प्रीमिक्स है वो उसमें ऐड कर देना है और उसको अच्छे से स्टर करते करते कुक करते रहना है वो ऑलमोस्ट जो सेवैया है वो फूलने लगेगी आज मैं बनाने जा रही हूँ चिकन कीमा पॉकेट तो इसकी भी जो सॉरी मैंने भूल गई जो जो फीलिंग है उसकी मैं प्रिपेरेशन की वीडियो नहीं डाल पाई अगर इसकी वीडियो आपको पूरी तरह रेसिपी चाहिए फुल रेसिपी चाहिए तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताना तो मैं इन ताला फिर से आपके साथ ये शेयर करूँगी तो बस इसको इसको जो प्रिपेयर करना बहुत ज़्यादा टफ जॉब नहीं है बहुत ईजी है बस मैंने जो समोसे की रोल पट्टी जो इस पड़ी थी वो मैंने वही लिया है उसी में मैं पॉकेट्स बना रही हूँ तो बस आज ये चिकन कीमा पॉकेट्स बन रहा है और इफ्तारी में फ़्राइज में फ़्राई कर लूँगी और जैसे फालूदा मैंने बना के मैंने फ्रिज में आ, कूल डाउन होने के लिए ठंडा होने के लिए ताकि वो दो घंटा पहले मैंने बना दिया था ताकि वो ता, अच्छा जब हम इफ्तारी के लिए बैठे तो अच्छा ठंडा हो जाए और फिर मैं उसमें आइसक्रीम तो मैंने प्रिपेयर किया नहीं था तो मैंने आइसक्रीम अमूल की मंगा के वो ऐड कर दूँगी तो बस ये कि आप जैसे जैसे रमज़ान के लास्ट लास्ट रोज़े पे हम आते हैं ना तो काम में इतने बिज़ी हो जाते हैं काम इतना होता है तो बाकी कुछ करने को दिल नहीं करता बस इतना इफ्तारी खाने का मन होता है ना सैरी करने का दिल होता है तो बस जैसे जैसे मैं आप लोगों के लिए शेयर कर रही थी तो मैंने क्योंकि आपसे कमिटमेंट किया था तो मैं कमिटमेंट तो अपना पूरा ज़रूर करूँगी तो कि मैं शैरी टू तो इफ़ार रेसिपीज़ शेयर करने के लिए तो इन वही मेरी कोशिश पूरी रहेगी तो बस यही था आज इफ्तारी में यही बनेगा और माशाल्लाह अल्लाह ताला हम जब सुबह में सोच रही थी दोपहर आफ्टरनून हो गया क्या बनाऊँ क्या बनाऊँ कुछ समझ नहीं आ रहा था और तो सोचा कि चलो आज ये बना लेती हूँ पट्टी तो मेरे पास पड़ी थी समोसे की तो मेरे ये इजी है मोजरेला चीज़ भी था मेरे पास और बस फीलिंग्स मैंने बनाया है, चिकन कीमा और कुछ वेजेस से तो इसको अगर आपको फुल रेसिपी चाहिए तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में मुझे कहिएगा तो आप लोग की ईद की तैयारी कैसे चल रही है आपने परेशन स्टार्ट की नहीं की ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे भी अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना ऐसा लगता है कि मैं ही आपसे बात करती रहती तो हूँ आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिए तो उससे मुझे ऐसा लगेगा मैं भी आपसे बात कर रही हूँ और आप मुझे रिप्लाई कर रहे हैं मैं आपको रिप्लाई कर रही हूँ तो डू कमेंट गाइज बहुत अच्छा लगता है जब आप मुझे कमेंट करते हैं अच्छी अच्छी आपकी कमेंट्स मुझे पढ़ के बहुत अच्छा लगता है मोटिवेशन मिलता है और ऐसा लगता है कि मैं आपसे बात कर रही हूँ तो उसी तरह आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिएगा आपके कमेंट्स वैल्यू फॉर मी एंड मोर देन मेरे बहुत वैल्यू करता है आपके कमेंट्स तो बस अब ये मैं पॉकेट्स बना के अच्छे से रख दूंगी थोड़ी देर के लिए और फिर इसको डीप फ्राई कर लूँगी और फ्राई करने में आपको ध्यान रखना है कि इसको थोड़ा आ, कम आग नहीं होगा तो ये हल्का सा लाल हो गोल्डन ब्राउन हो जाए उतना आपको फ्राई करना है तो बस आज ये था कि जैसे मैंने आपसे बात की आफ्टरनून में कि मेरी शॉपिंग की वगैरह सब तैयारी हो गई है थोड़ी बहुत सी रह गई है वो वो भी हो जाएगी और इन शाला रमज़ान के लास्ट राज रोजे हैं तो काम भी बहुत हो जाता है गाइज बिल्कुल भी बस हमें फटाफट फड़ वाइंड अप करना होता है तो अल्लाह से यही दुआ है कि हम सब के जो प्रिपरेशन है वो फटाफट ऑन टाइम हो जाए और आ, थोड़ी बहुत डेकोरेशन का भी मुझे सोचा है वो भी करना है और सफाई है तो आज मैंने बेडरूम से स्टार्ट करना है तो ये था तो बस ये फ्राइज मेरे हस्बैंड फ्राई कर रहे हैं क्योंकि मैं दूसरे काम में लग गई थी क्योंकि ये टाइम पे मेरा पानी भी आ जाता है और मैं पानी भर रही थी क्योंकि आजकल हमारे तो सोसाइटी में पानी की बहुत दिक्कतें चल रही हैं गर्मी भी है और पानी की भी साथ में प्रॉब्लम है आई डोंट नो वाट्स गोइंग ऑन तो ये बस चल रहा है ये आज की मेरी इफ्तारी है और माशाल्लाह से दस्तरखान बड़ा प्यारा लग रहा था अल्लाह ताला कैसे नहीं कैसे यहाँ पे रौनक दे ही देता है तो बस आप सबके लिए मैं दुआएं करती हूँ आप भी मेरे लिए दुआएं करिए आपके सपोर्ट आपका प्यार आपकी केयर मेरे लिए बहुत ज़रूरी है मैं भी आपके लिए उतना ही आपको पसंद क्योंकि आप मेरी फैमिली के साथ यूट्यूब फैमिली आप भी मेरी मेरा खुद का परिवार है फालूदा बहुत टेस्टी बना था पर मुझे स्ट्रॉबेरी से ज़्यादा ना मैंगो फ्लेवर पसंद है और तो ये ठीक है बच्चों को पसंद है तो बच्चों के लिए तो बनाना पड़ता है तो मैं अपने नेक्स्ट वीडियो आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा एंड टू कमेंट गाइज डू कमेंट आपकी कमेंट बहुत मोटिवेट करती है मुझे एंड चिल्ड्रेन अपना ख्याल रखिएगा खुश रहेगा दुआ मुझे याद रखिएगा अल्लाह हाफिज